तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि आज होगा पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान। राहुल गांधी के करीबी सुनील जाखड़ को बनाया जा सकता है पंजाब का नया मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू महासभा ने बीजेपी मंत्रियों को दी धमकी, कहा गलतफहमी में ना रहे मोदी अमित शाह, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने गांधी का भी कर दिया था कत्ल, तो मोदी है क्या चीज। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान के समर्थन में उतरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, अमरीका को फटकार लगाते हुए कहा तालिबान सरकार को अमरीका तत्काल दे मान्यता। वही आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश में बुरी तरह से अपने ही मंत्रियों से घिरी बीजेपी सरकार, शराब बैन नहीं की तो बीजेपी नेता उमा भारती मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगी आंदोलन, दे दिया है आज अल्टीमेट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने बीजेपी को दिया इस्तीफा, बीजेपी में जाने से किया अरमिंदर सिंह ने इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बीजेपी या मोदी अमित शाह से नहीं। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस राज्य के जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आज होगा पंजाब में नए मुख्यमंत्री का ऐलान। राहुल गांधी के करीबी सुनील जाखड़ बनाए जा सकते हैं पंजाब के नए सीएम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कैप्टन अरमिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल की आज राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है जिसमें आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम पद की रेस में तीन नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला नाम सुनील जाखड़ का है जो राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता है, इनको राहुल गांधी पंजाब का नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो तीसरा नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का है, इनका नाम भी आगे चला है, इनको भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी पंजाब का बना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, इन तीन नामों पर दाव कांग्रेस पार्टी लगाने वाली, क्योंकि आने वाले 8-9 महीने में विधानसभा के चुनाव भी पंजाब में होने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिंदू महासभा ने बीजेपी को दी धमकी, कहा गलतफहमी में ना रहे भाजपा, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने गांधी का भी किया कत्ल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में भाजपा नेताओं को आज हिंदू महासभा के नेता धर्मेंद्र ने खुली धमकी दे दी है और कहा है कि कर्नाटक में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर ढाए जा रहे हैं इस गलतफहमी में भाजपा ना रहे। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुओं की रक्षा के लिए गांधी जी तक को नहीं बख्शा और गांधी को भी हमने मार दिया, इसलिए भाजपा मंदिरों को तोड़वाना बंद करे। अगर भाजपा ने मंदिरों को तोड़वाना कर्नाटक में बंद नहीं किया तो हम भाजपा के नेताओं को भी नहीं बख्शेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं बख्शेंगे और उन्हें भी हम मौत के घाट उतार देंगे जिस तरह से हमने गांधी जी को नहीं बख्शा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू महासभा ने ये बड़ी धमकी भाजपा को दे दी है, जिसके बाद भाजपा मंत्रियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तालिबान सरकार के समर्थन में उतरे इमरान खान, अमेरिका को दी धमकी, कहा अमेरिका तत्काल मान्यता दे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के समर्थन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की मान्यता को लेकर अमरीका पर भी निशाना साधा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अमरीका को तत्काल अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को मान्यता देनी चाहिए, अगर अमरीका मान्यता नहीं देगा तो स्थिति और खराब होगी और कई देशों में हमले हो सकते हैं, जबकि अफगानिस्तान गृह युद्ध में ढकेला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका को तत्काल बड़ा दिल दिखाते हुए तालिबान की सरकार को मान्यता देनी चाहिए और जो प्रतिबंध तालिबान पर लगाए हैं अमेरिका ने उनको हटाना चाहिए जिससे देश उनका आगे बढ़ सके। वहीं आपको बता दें कि अभी तक पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की सहित कतर, सऊदी अरब ने तालिबान की नई सरकार को मान्यता दे दी है, लेकिन भारत भी सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में घिरी भाजपा, बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी की शिवराज सरकार को दिया अल्टीमेट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की सरकार को आज अल्टीमेट दे दिया है। उमा भारती ने कहा कि यदि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अगले साल 15 फरवरी तक शराब पर बैन नहीं लगाया तो सड़क पर उतरकर वह इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में शराबबंदी अभियान चलाएंगी। भाई आपको बता दें कि भाजपा की ये बड़ी नेता हैं और अब भाजपा के खिलाफ ही मध्य प्रदेश में इन्होंने धरना देने का ऐलान कर दिया है। तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा फंस गई है, बीजेपी के नेता ही अब बीजेपी सरकार का विरोध करने पर उतर आए हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी को कैप्टन अरमिंदर सिंह ने दिया झटका, नहीं जाएंगे बीजेपी में। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने कल पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें पंजाब में बना सकती है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने ऑफर भी उन्हें दिया था, लेकिन आपको बता दें कि कैप्टन अरमिंदर सिंह ने बीजेपी को झटका देते हुए बीजेपी के सभी ऑफरों को ठुकरा दिया है। बीजेपी ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो वह बीजेपी को ज्वाइन कर लें और बीजेपी उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव में बनाएगी। लेकिन आपको बता दें कि कैप्टन अरमिंदर सिंह ने बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया है और कैप्टन अरमिंदर सिंह ने साफ कहा है कि वह कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन वह बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के इस बड़े नेता ने बीजेपी को आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहिब को बंद करने के आदेश किए जारी, सिखों में भारी नाराजगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने के मामले में गुरुद्वारा बंगला साहिब को बंद करने का आदेश दिल्ली में आज दे दिया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस ने हमें आदेश दिया है, हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं मान सकते और गुरुद्वारा बंगला साहिब को बंद नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस अपना जो है रवैया बदले और हमें इजाजत दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने लगाए आरोप, कहा केरल में 5 से 10 साल में होंगे अफगानिस्तान जैसे हालात, केरल में मुसलमान कर लेंगे कब्जा। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद केजे अल्फोंस ने कहा है कि केरल में कट्टरपंथ और उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा है और राज्य अफगानिस्तान बनने की ओर जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 से 10 साल के भीतर केरल के हालात बिल्कुल अफगानिस्तान जैसे होंगे और केरल में मुसलमानों का राज होगा और केरल में मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान ही यहाँ पर सब कुछ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ लगातार इसको बढ़ाने में काफी योगदान दे रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा नेता ने ये गंभीर आरोप जो है मुसलमानों पर केरल को लेकर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आज पलटवार किया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी टीआरएस कांग्रेस सभी की जुबान पर सिर्फ एआईएमएम और ओवैसी है। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भी किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों को सुबह शाम उनके ख्वाबों में हम ही क्यों नजर आते हैं, दूसरा नजर क्यों कोई नहीं आता है। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने चार मीनार इलाके में खूब प्रचार किया था, फिर भी भाजपा वहां से हार गई। आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चार मीनार इलाके में चार घंटे प्रचार किया था, लेकिन फिर भी भाजपा वहां पर हार गई और बुरी तरह से हारी। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम भाजपा से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से आए लोगों को मोदी सरकार देगी स्टे वीजा, भारत में रह सकते हैं लंबे समय तक। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बहुत से लोग एयरलिफ्ट करके भारत आए। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के नागरिकों को मोदी सरकार ने स्टे वीजा देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार स्टे वीजा उन्हीं अफगानी नागरिकों को देगी जो भारत में कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्टे वीजा मिलने के बाद अफगानी नागरिक भारत में लंबे समय तक छूट के जरिए रह सकते हैं और जब अफगानिस्तान में स्थिति ठीक हो जाएगी तब ये अपने देश वापस जा सकते हैं। तो सरकार ने यह बड़ा फैसला अफगानिस्तान के नागरिकों के पक्ष में लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महिर भोज की जाति पर बवाल, राजपूतों की सीएम योगी को चेतावनी, जाति बदला तो होगा बुरा परिणाम, बीजेपी के खिलाफ चलाएंगे हैशटैग। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दादरी में गुर्जर समाज के सबसे सम्मानित राजा महिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कर पश्चिम यूपी के सबसे प्रभावशाली जातियों में से एक गुर्जर के वोटों को साधने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की, लेकिन प्रतिमा अनावरण से पहले ही महिर भोज की जाति को लेकर बवाल यूपी में खड़ा हो गया है। एक तरफ महिर भोज की जाति को लेकर राजपूत और गुर्जर आमने सामने हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर राजपूतों द्वारा बीजेपी को जातिवादी बताकर वायकाट किया जा रहा है। राजपूतों ने ट्विटर पर राजपूत वायकॉट बीजेपी चला रखा है जो फिलहाल ट्रेंड पर है। राजपूतों का कहना है कि महिर भोज एक राजपूत थे ना कि गुर्जर, राजपूत समुदाय ने महिर भोज को अपना पूर्वज बताया है, लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार गुर्जरों का उनको पूर्वज बता रही है। इसी को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश में है और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच तो
दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद भाजपा नेता छोड़ रहे हैं बीजेपी, हो रहे हैं टीएमसी में शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता पार्टी लगातार छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते 6 महीने में अब तक लगभग 12 नेता बीजेपी के टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने के बाद अब और भी बीजेपी के नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंद जानते हैं।